गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। एंड आज के व्लॉगिंग की स्टार्ट भी हो रही है नाइट से, जहाँ पे मैंने आपको कल व्लॉग दिखाया था मेहंदी सेरेमनी का, तो वहीं आज आने वाली है बारात। तो उसी के लिए हम लोग हो चुके हैं रेडी। एंड बाहर अभी बारिश है, तो हम वेट करेंगे बारिश का और तब निकलेंगे घर से। आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कभी तेज़ लग रही है कभी हल्की, तो वेट करते हैं हम थोड़ा सा बारिश का। जैसे बारिश बंद होती है, हम लोगों को स्कूटी में जाना है, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। आते समय हम भीग भी जाए तो कोई बात नहीं, पर जाते हुए हम सेफली पहुँच जाए बस। तो बस निकलते हैं घर से, वेदांश विदुषी एंड मैं जा रहे हैं, तो वो पार्टी भी वहीं रखी गई है नंदिनी गार्डन वेडिंग पॉइंट में। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं आपको सीधे वेडिंग पॉइंट में। सो गाइज, फाइनली हम पहुंच चुके हैं नंदिनी गार्डन वेडिंग पॉइंट में। एंड बारिश यहाँ पे अभी काफ़ी कम थी, तो हमने सोचा चलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर भीग भीग गए, हमें स्कूटी से जाना है तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। एंड हमारे साथ हमें ज्वाइन किया मेरे भतीजे ने भी, तो वो भी हमारे साथ स्कूटी में आया है। दिस इज़ वेदांश विदुषी एंड भावेश। तो आप यहाँ की डेकोरेशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं पूरा गीला गीला, बारिश काफ़ी तेज़ हुई थी हमारे आने से पहले। तो यहाँ पे जैसे हम पहुँचे तो अंदर बहुत ही ज़्यादा कम लोग थे। हम तो बारिश की वजह से जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमने सोचा अगर तेज़ हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज पूरा तैयार किया जा चुका था। एंड बगल में ही था यहाँ पे खाने का अरेंजमेंट, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे प्लेटें वगैरह सब लग चुकी थी और स्टॉल वगैरह में सभी तैयारियाँ हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसके बगल में ही लगा हुआ था सिटिंग अरेंजमेंट का एरिया, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन, यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया था। एंड बगल में डीजे वगैरह डांस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सीट्स अभी खाली हैं, तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा सा खाने का स्टॉल वगैरह देख लिया जाए। तो यहाँ पे प्लेट्स वगैरह का अरेंजमेंट किया गया है। एंड ये है गोलगप्पों का स्टॉल, जो कि बिल्कुल रेडी है। एंड बहुत सारा सैलेड, सॉरी बहुत सारा जो कैबेज वगैरह है, अनियन वगैरह, शिमला मिर्च, सब चाउमीन के लिए तैयार है। एंड दिस इज टिक्की। और यहाँ पे है डोसे का स्टॉल। और ये भैया देखिए, अभी जो शुरू में खाली शुरू में जो ऐसे थोड़ा सा बनाते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं भैया, ये देखिए। एंड यहाँ पे गेस्ट वगैरह के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह का अरेंजमेंट किया जा रहा है, क्योंकि बारात बहुत ही ज़्यादा पास थी। एंड उसके बाद हम बैठ चुके थे एंड यहाँ पे आ चुके थे हमारे स्टार्टर्स। तो स्टार्टर्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे एंड कोल्ड ड्रिंक भी थी उसके साथ, तो हमने इन्जॉय किए यहाँ पर स्टार्टर्स। एंड ये पूरी कैंतुरा फैमिली बैठी है, ये देखिए, ये सभी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे आप देखेंगे गाइज, यहाँ पर बारात आ चुकी है। और जब बारात दरवाजे पे पहुंची, तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा जैसे बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। तो वो जल्दी से उन्होंने गेट वगैरह की रस्म पता नहीं कैसे की होगी, हम तो गए नहीं बाहर। तो यहाँ पे खाना भी स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले चाउमीन वगैरह सब इंजॉय की एंड उसके बाद हमने खाया खाना। और ये आप देख सकते हैं सभी बाराती जो है इंजॉय कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं। एंड ये है दूल्हे राजा विद पंडित जी। तो ये है दूल्हा एंड ये देख सकते हैं आप, इनमें काफ़ी जोश है, बारिश में भीगने के बाद भी डांस वगैरह कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वेदांश अपना खाना खा रहा है, फेवरेट पनीर एंड चावल। एंड सोनिया वगैरह ने सब ने खाना खा लिया था। एंड ये देखिए गाइस, ये डांस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए आप, ये जो भैया हैं ये हमारी तरफ के हैं, जो ये आपको सॉरी ये वाइट वाले वाइट शर्ट में दिख रहे हैं एंड चश्मे वाला, एंड ये जो जीन्स और मैरून कलर की शर्ट में, तो ये हमारे ही गांव के भैया हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया, तो मैंने इनके डांस को जो है पूरा इन्जॉय किया और शूट किया। एंड यहाँ पर अब हो रही है दूल्हे राजा की पूजा, आप देख सकते हैं। ये है दुल्हन के भाई भैया जो उनकी आरती कर रहे हैं, सबसे बड़े भैया। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने इन्जॉय की अपनी आइसक्रीम। एंड यहाँ पे ये देखिए मेरे मायके वाले हैं सभी, ये देखिए
ये सभी मेरे मायके वाले हैं, मेरे भाई हैं, तो यहाँ पे सभी लोग इन्जॉय करते हैं अपना खाना। और हमें देरी हो रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था गाइस, तो हमने सोचा निकलने में फ़ायदा है, तो बस यहाँ पे दुल्हन की थोड़ा सा फ़ोटो शूट चल रही थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा दुल्हन को दुल्हन की वीडियो भी बना ली। ये देखिए दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बस यहाँ पे अब हम हो चुके थे घर जाने के लिए रेडी, और ये देख सकते हैं आप आउटसाइड का जो एरिया है पूरा बंद किया गया है आज बारिश की वजह से, वरना यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट यहीं पे किया जाता है दूल्हा दुल्हन के। तो बस उसके बाद हम पहुँच गए हैं अपनी स्कूटी के पास। तब तक मेरे भतीजे भावेश ने स्कूटी को निकाल लिया था, एंड आगे हैं मेरे भतीजियाँ तीनों जो कि आई थी स्कूटी में। तो फर्स्टली वो गए आगे, उसके बाद हम चले गए थे। दो बदमाश कर रहे प्लानिंग। तो गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं हम यहीं पे। ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, मैं बहुत ही जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।